बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। मामला है थाना सीवीगंज के क्षेत्र में, यहां सुबह बिजली चेकिंग के दौरान बिजली कर्मचारियों के साथ वहीं के रहने वाले 4 लोगों द्वारा मारपीट की गई। इस दौरान वीडियो बना रहे कर्मचारियों को मोबाइल भी छीन लिया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिनको लेकर कर्मचारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी न होने पर कार का बहिष्कार किया और चेतावनी दी की लाइनमैन सत्यवीर मदन ने बताया कि 10 फरवरी 2023 को गोविंदपुरा टावर वाली गली में लाइन चेक कर रहे, तभी अचानक बहादुर खां के पुत्र ताहिर राशिद पप्पू गुड्डी ने हमला कर दिया, मोबाइल छीन लिया। कुछ क्षेत्रवासियों द्वारा समझाने पर शाम को मोबाइल तो वापस कर दिया, लेकिन उसको डाटा उड़ा दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई, परंतु अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। कर्मचारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तारी न होने पर कार बहिष्कार की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने सत्यवीर सिंह, सौदान सिंह, मान सिंह आदि लोग क्या मांगे आज आए हैं? आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जो बरेली रेलवे जंक्शन है वहाँ पर जो सिविल का एरिया है वहाँ पर RPF जो है वो ऑटो में बैठ जाते हैं और बैठ कहते हैं मुझे थाने तक छोड़ दो। थाने तक पहुँचने के बाद जो है चाबी छीन लेते हैं और ड्राइवर को अंदर बंद कर देते हैं। ये 10 तारीख को 9 ड्राइवरों के साथ में इस तरह की गाड़ियाँ बंद की गई हैं और वहाँ पर बाहर जो भी सवारी उतारने जाता है तो ठेकेदार का जो पार्किंग का ठेका है वहाँ से बाहर जो है उसके 7-8 गुंडे घूमते हैं, वो जबरदस्ती वसूली करते हैं, जो पैसे नहीं देता उसके साथ मारपीट करते हैं, चाबी छीन लेते हैं, 30 रुपये रोज के वसूलते हैं वो। हाँ रसीद देते हैं भाई, पार्किंग की रसीद देते हैं, लेकिन वसूली पार्किंग के बाहर होती है रोड पे, यानी पार्किंग में है अगर पार्किंग कोई जाए या ना जाए लेकिन बाहर ही। जैसे ही आप कौन करा रहे हैं इसको? ये RPF प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और ये ठेकेदार दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जब हमने इस पर बात की थी तब उन्होंने ये कहा कि आप हमें तहरीर देना हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार हम कह चुके हैं उनसे और उठा के उनको बंद कर रहे हैं कि जो है यहाँ रोड जो है RPF का है और उन्हें दिखाया गया धारा 159 के तहत जो है रेलवे परिसर से, जबकि वो रेलवे परिसर नहीं था, वो सड़क पर से उठा के ले गए उन लोगों के लिए। आज किससे शिकायत कर रहे हो? तो आज हम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं मिले तो हमने वहाँ जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में जाके वहाँ जो है उनके PA महोदय को ज्ञापन सौंप दिया, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग बैठक में इसी विषय में हमने जो है अपनी बात बता दी।